हेलो गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको कार्डियो वर्कआउट बताने वाली हूं एंड ये वर्कआउट आपके कोर यानी कि आपके बेली के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करेगा। अगर आप मेरे इस वर्कआउट को रेगुलर 30 डेज तक भी फॉलो करते हैं तो आपको मेरे इस वर्कआउट का रिजल्ट भी 30 डेज के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेली का फैट जल्द से जल्द रिड्यूस हो जाए और आपके बेली का एक्स्ट्रा फैट कभी वापस ही ना आए तो आपको मेरे इस वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स की एल्बो को बेंड करना है, देन फर्स्ट अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करना है, देन दोनों लेग को स्ट्रेट करके अपसाइड उठाना है, देन स्लोली स्लोली डाउन साइड लेके आना है, अगेन अप अगेन डाउन। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है लेग्स को, देन फर्स्ट अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करना है, देन इनसाइड लेके आना है अपसाइड। इसको ओनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को स्वीट करके रखना है। फर्स्ट आपको अपनी बॉडी को फ्रंट साइड पुश करना है, देन बैक साइड लेके आना है, अगेन फ्रंट साइड पुश देन बैक। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को भी स्ट्रेट करना है। फर्स्ट अपने राइट हैंड के एल्बो को बेंड करना है, देन लेफ्ट राइट हैंड को स्ट्रेट करना है, देन लेफ्ट हैंड को भी स्ट्रेट करना है। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लोर पर रखना है, देन दोनों लेग को अपसाइड उठा के अपने दोनों लेग को क्रॉस करते हुए अपने दोनों लेग्स को अपसाइड लेके जाना है, देन अपसे डाउन लेके आना है। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पे रखना है, देन अपने दोनों लेग को भी स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट आपको अपनी राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग की नी को बेंड करके राइट साइड ओपन करना है, देन लेफ्ट लेग अगेन राइट अगेन लेफ्ट। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके रखना है। देन फर्स्ट अपने दोनों हैंड को अपने राइट साइड लेके जाना है। देन अपर बॉडी को भी राइट साइड टर्न करना है, सेम लेफ्ट साइड। इसको भी ऑनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस, आज जो मैंने आपको कोर की वर्कआउट बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी वर्कआउट अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूँगी। अभी के लिए बाय बाय।